ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश टेस्ट में काफी प्रचलित हो चली किया सेल्टोस ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। जिस मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया है वो ऑस्ट्रेलियन स्पेसिफिकेशन मॉडल है और इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2019 से बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो किया सेल्टोस बेची जा रही है उसका उत्पादन कंपनी के कोरिया प्लांट में किया जा रहा है। किया सेल्टोस फ्रंटल ऑफसेट, फुल विथ फ्रंटल, साइड इम्पैक्ट, ऑब्लीक पोल, विप्लैश प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट से गुजरी है। व्यस्कों की सुरक्षा के लिए ये एसयूवी 85% सुरक्षित है, वहीं बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से इसे 83% सुरक्षित पाया गया है। पैदल यात्रियों के लिए जहां सेल्टोस 61% सुरक्षित है, वहीं सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के हिसाब से ये एसयूवी 70% सेफ पाई गई है। रॉयल एनफील्ड अगले कुछ महीनों में अपनी मोटरसाइकिल के BS6 मॉडल पेश करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है जो कि नई सदी की शुरुआत में संभवतः पेश किए जाएंगे। चेन्नई आधारित कंपनी ने शेरपा और हंटर नामों के लिए ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है जो रॉयल एनफील्ड की नई मोटरसाइकिल की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये नाम 100 साल से भी ज्यादा समय से मोटरसाइकिल बना रही कंपनी के लंबे इतिहास से ही लिए गए हैं, यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड शेरपा 1960 के दशक के मध्य में बनाई गई थी जो 173 सीसी कैपेसिटी वाली थी। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड हंटर कंपनी के लिए बिल्कुल नई नाम वाली मोटरसाइकिल होगी और ये नाम एक एडवेंचर मोटरसाइकिल की ओर इशारा कर रहा है। सुजुकी इग्निस 2016 में ग्लोबल लेवल पर पेश की गई थी और अब कंपनी इस रेट्रो हैचबैक के माइल्ड फेसलिफ्ट को जल्द ही दुनिया के सामने पेश करने वाली है और इसकी फोटोज हाल ही में ऑनलाइन लीक हो गई थी। आधिकारिक रूप से पर्दा हटने से पहले लीक हुई फोटोज में सामने आया है कि 2020 सुजुकी इग्निस में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिससे इसे और रगेड अपील दी जा सके। कार को नया बम्पर और नई ग्रिल दी गई है और पिछले हिस्से में मामूली बदलाव किए गए हैं जिनमें रेट्रो स्टाइल के बम्पर और टेल लाइट्स शामिल हैं। दिखावट में हुए ये बदलाव भारतीय स्पेसिफिकेशन वाले मॉडल में भी दिए जाएंगे जो BS6 पावर ट्रेन के साथ पेश किए जाएंगे। अनुमान है कि कार की कीमत में मामूली बढ़ोतरी होगी।